प्रतीक्षा भोजवानी आपका MNS न्यूज लाइव में स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की हेडलाइन। उद्या बैंकों पर भरोसे को है खतरा। यूएन में भारत ने पाकिस्तान को धोया। उत्तर नागपुर से उम्मीदवारी दे पार्टी। हमला पूछे सिंधी पंचायत महिला मंडल द्वारा राज गरबे का आयोजन। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। गोंदिया बैंकों पर भरोसों का है खतरा। ईडी जांच के दायरे में गोंदिया का एक तथा भंडारा के दो NCP नेता। इसके चलते महाराष्ट्र की सड़कों पर गत 3 दिनों से हंगामा मचाया हुआ है, क्योंकि ईडी ने कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में उसके सबसे बड़े नेता पर हाथ डाला है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। शुक्रवार को इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र में भारत पर कश्मीर की जनता पर अत्याचार करने समेत कई आरोप लगाए थे। विधानसभा चुनाव 27 सितंबर शुक्रवार को नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, लेकिन पार्टी के बड़े नेताओं को जानकारी में लिए बिना ही फॉर्म लेने पहुँचने वाले नगर सेवक की चर्चा जोरों पर है। खामला पूज्य सिंधी पंचायत महिला मंडल द्वारा हर साल की तरह इस साल भी राज गरबा का आयोजन किया गया। यह राज गरबा उत्सव 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक 3 दिनों तक रात 7 बजे से 10 बजे तक श्री उदासी दरबार खामला में रखा गया है। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर से MNS न्यूज लाइव को डाउनलोड करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।